हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 22 आपका सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसके में हमने आपको किस तरीके से व्यापारी से पूछ कर एक अकाउंटेंट ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर किया, जिससे हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाला और कितना ड्राइंग्स या कितना एडिशनल कैपिटल उसने कितना ड्राइंग्स किया, कितना पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला बिजनेस से और कितना पैसा जो है एज अ कैपिटल वो लगाया बिजनेस में, इसके आधार पे हमने प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का कैलकुलेट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम क्या है? ओनली इन कैश बुक बी ओनली ऑफ पर्सनल अकाउंट्स इन लेजर, सी ओनली पर्सनल अकाउंट्स इन कैश बुक एंड इन लेजर, और डी है आपका All of these. बोलिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम में क्या करते हैं हम, क्या कैश बुक प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे, है ना, क्या कौन कौन सा अकाउंट इसमें हम प्रिपेयर करते हैं वो आपसे पूछ रहा है। देखिए इसमें आप कह सकते हो कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपका दे रहा है, तो एक कैश अकाउंट हम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं इन केस जितना भी कैश ट्रांजेक्शन है, जितना भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसको तो रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब वो एक पेपर में लिख करके रखता है कि कितना कितना सामान किस किस डेटर को कितना पैसा, डेटर से कितना पैसा लेना है, क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, ये सब कुछ लिख के रखता है, तो वो कैश बुक या बोले कैश अकाउंट यहाँ पे मेंटेन कर सकता है, है ना। लेकिन इसमें जो है आपका सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट यानी डेटर से कितना पैसा लेना है, क्रेडिटर को कितना देना है, कितना लेन देन है, ये चीज़ मेंशन ये चीज़ मेंटेन कर सकता है। तो सिर्फ यहाँ पे पर्सनल अकाउंट मेंटेन होता है और कैश बुक यहाँ पे एक छोटा सा वो प्रिपेयर कर सकता है कि कितना सामान कैश में सेल हुआ। तो यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है सी होगा, पर्सनल अकाउंट इन द कैश बुक एंड इन द लेजर। कैश बुक रहने दीजिए, है ना, पर्सनल अकाउंट इन कैश बुक, जितना पर्सनली किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है, ये चीज़ जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पर किया जाता है कि डेटर से कितना पैसा लेना है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगा, कितना पैसा देना है तो सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। तो ये सब कुछ के लिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के लिए कैश बुक मेंटेन किया जा सकता है, तो ओनली पर्सनल अकाउंट इन कैश बुक, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट होगा। चलो ठीक है, ओनली पर्सनल अकाउंट इन कैश बुक, यहाँ पर सिर्फ पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर ये कितना एक्सपेंस हुआ, है ना, कितना इनकम हुआ, कितना एसेट खरीदा, कितना जो एसेट आपने बेचा, क्या किया, यानी रियल अकाउंट और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट को इग्नोर किया जाता है। तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट यानी डेटर से कितना लेना है और क्रेडिटर को कितना देना है, इसके लिए आप कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं। तो ओनली इन कैश बुक, कैश बुक सिर्फ नहीं मेंटेन करेंगे क्योंकि कैश बुक में सिर्फ कितना लेन देन हो रहा है पर्सनल अकाउंट के थ्रू, यानी कितना डेटर पैसा देगा, कितना क्रेडिटर को देना है, ये सब कुछ के लिए हम कैश बुक यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो सिर्फ कैश बुक लिखिएगा तो कैश बुक में तो सारा कुछ आ जाएगा, है ना, कितना आपने एक्सपेंस किया, सैलरी दिया, जितना भी है आपका रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, ए टू जेड चीज कैश बुक में आएगा। तो ये नहीं,
कैशबुक में सब आ जाएगा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट इन कैशबुक ये आएगा आपका, है ना। ओनली पर्सनल अकाउंट इन लेजर ये भी नहीं होगा, क्योंकि लेजर यहाँ पर हम ऐसा पूरा मेंटेन कर नहीं रहे हैं। तो ओनली पर्सनल अकाउंट इन कैशबुक ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इज एडेड टू, कहाँ ऐड करते हैं। ऑप्शन ए क्लोजिंग कैपिटल, ऑप्शन बी ओपनिंग कैपिटल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलिए फॉर्मूला याद करिए और बताइए इसमें कि क्या होना चाहिए। बोलता है कि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो क्या होना चाहिए, किसको ऐड करते हैं। फटाफट आप अपने अगर कॉपी पे करना चाहो तो उसको कर सकते हो, बाकी क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताए थे कि ओपनिंग कैपिटल में हम क्या ऐड कर देंगे, जो भी एडिशनल कैपिटल लगाया है वो हम ऐड करेंगे जिससे आपका कैपिटल बढ़ेगा, तो एडिशनल कैपिटल। इसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ है उससे बढ़ेगा कैपिटल, प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, तो प्रॉफिट बढ़ता है। लॉस से कैपिटल घटता है, तो प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। और अगर निकाल लीजिएगा आप कोई भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग से भी कैपिटल घटता है। ये हो गया, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये अब ओपनिंग में एडिशनल किए फिर प्रॉफिट ऐड किए लेस किए तो क्या निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा, ये निकलेगा ना क्लोजिंग कैपिटल। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे लिख सकते हो क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, है ना, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स। तो आप इसको क्लोजिंग कैपिटल लिख सकते हो। अब इसमें पूछता है कि प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालो फॉर्मूला से, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट को यहीं छोड़ो, बाकी इज इक्वल टू के इस साइड ले आओ। तो क्या है आपका क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्रॉइंग्स, यही होता है ना, यानी ड्रॉइंग्स क्या करते हैं प्लस करते हैं। अब अगर इसको तरीके से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट आप बना सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जिसमें आप लिखोगे क्या क्लोजिंग कैपिटल जो भी होगा इसमें ऐड करोगे, है ना, इसमें क्या ऐड करोगे, ड्रॉइंग्स ऐड करोगे, ठीक, जो भी होगा इसमें क्या लेस करोगे, एडिशनल कैपिटल, और क्या लेस करोगे, ओपनिंग कैपिटल, ये दोनों को क्या करोगे लेस करोगे, तो क्या निकल जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा, ठीक, यही है ना, प्रॉफिट निकालना था ना, तो क्या करोगे क्लोजिंग कैपिटल में से ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें से क्या माइनस करोगे, ओपनिंग कैपिटल माइनस किया, एडिशनल कैपिटल माइनस किया, और ड्रॉइंग्स किया प्लस किया। तो ये तरीका होता है आपका बनाने का, है ना, बाकी फार्मूला तो यही है, इस फार्मूला पे बैठा होगा तो हो जाएगा, लेकिन तरीका इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। अब बोलो कि क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट निकालते समय क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करते हैं, तो ड्रॉइंग्स ऐड करते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट इन इनकम्प्लीट
रिकॉर्ड सिस्टम यानी सिंगल इंट्री सिस्टम से जब करते हैं तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग ड्रॉइंग का अमाउंट है वो ऐड करते हैं, कहाँ ऐड करते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं। अच्छा, क्या लेस करते हैं, तो एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को लेस करते हैं, है ना, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। चलिए, तो ये आपका करेक्ट होगा। बाकी ओपनिंग कैपिटल क्या बोलता है, एडेड टू ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं ड्राइंग्स को, काहे को, गलत बोलता है। ए एंड बी बोथ भी गलत बोलता है, नॉन ऑफ दिस भी गलत है ना, ए सही है, ए एंड बी तो गलत हो गया ना। चलो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड, कैपिटल कहेंगे, क्रेडिटर्स गुडविल। चलिए बताइए, इसमें ये तो आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मूला ही है, एक्सेस ऑफ यानी एक्सेस ऑफ क्या ज़्यादा है, एसेट ज़्यादा है किसके, किससे ज़्यादा है, तो लायबिलिटी से ज़्यादा है, तो क्या होगा। यही होता है फॉर्मूला। अब बोलता है कि मान लो ये हो गया एसेट, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं इसको, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक। तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। अब बोलता है एसेट है मान लो 100 रुपये का और लायबिलिटी मान लो 60 रुपये का, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, कैपिटल होगा कितना, 40 रुपीस, यही होगा ना, ठीक है। तो बोलता है एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, एसेट ज़्यादा है और लायबिलिटी 60 रुपये है, तो क्या निकलेगा आपका, कैपिटल निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा माफ करिएगा, कैपिटल निकलेगा आपका। अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मूला था, कोई बहुत बड़ा इसमें ये नहीं है, ये तो आपको समझ में ऐसे भी आ गया होगा क्वेश्चन लिखते के साथ ही। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिस्टम मीन्स, इनकम्प्लीट सिस्टम या है जो है आपका उसका क्या मतलब होता है, या सिंगल इंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है, ओनली वन एंट्री फॉर ईच ट्रांजेक्शन
इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम सी बोथ एंट्रीज ओनली इन अकाउंट्स और डी सिंगल एंट्री सिस्टम गुड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम पे से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड करेगा आपका, और प्रॉफिट एंड लॉस, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब कुछ आपको एकदम साइंटिफिक तरीके से बता करके देगा, जो कि आप कोर्ट में एज एन एविडेंस भी उसको पेश कर सकते हैं। तो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? तो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम है ना इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है। यानी अगर आप डबल एंट्री सिस्टम करोगे तो डबल एंट्री सिस्टम तो आपका एक साइंटिफिक सिस्टम हो गया, लेकिन अगर आप कहते हो कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या है, तो अगर कंप्लीट रिकॉर्ड डबल एंट्री सिस्टम है तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है ना। क्या कहता है क्वेश्चन? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम मीन्स, इनकम्प्लीट का मतलब क्या? सिंगल एंट्री है ना, डबल एंट्री नहीं, सिंगल एंट्री। ट्रांजेक्शन के एक पहलू को रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो भी बस एक लाइन में लिख लिख करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई डेबिट क्रेडिट यहाँ पे हम नहीं कर रहे। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम क्या है? तो वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम है जो इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है। अगर कंप्लीट डबल एंट्री होता तो वो साइंटिफिक सिस्टम होता, लेकिन इनकम्प्लीट क्या है आपका? इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। यानी डबल एंट्री सिस्टम पे हम बना ही नहीं रहे हैं, आधा अधूरा थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपका इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम होगा। ठीक है, ये मतलब होता है एक्चुअल मतलब इनकम्प्लीट का। अच्छा, हम इनकम्प्लीट कब बोलेंगे, किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो डबल एंट्री सिस्टम से कंपेयर कर रहे हैं, उसके तुलना में हम सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कह रहे हैं। तो तुलना किससे कर रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम, यानी डबल एंट्री सिस्टम मतलब साइंटिफिक सिस्टम से अनसाइंटिफिक सिस्टम यानी सिंगल एंट्री सिस्टम को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर पूछता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, तो वही सिंगल एंट्री सिस्टम है जो आपका डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, यानी इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम को हम सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। अगर यहाँ बोलते कंप्लीट रिकॉर्ड तो मतलब डबल एंट्री, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी जो डबल एंट्री नहीं है पूरे तरीके से, इनकम्प्लीट डबल एंट्री है उसी को सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। घुमा फिरा के जैसे बोलेगा बात वही होगा। तो यहाँ पर ओनली वन एंट्री फॉर ईच ट्रांजेक्शन ये नहीं होगा, बोथ एंट्रीज इन अकाउंट्स ये तो बोथ एंट्री करते ही नहीं है, एक एंट्री तो हम यहाँ पे करते हैं, सिंगल भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा डबल, इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम जो है वही आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है हम यहाँ पे बनाते हैं? कैपिटल, लाइबिलिटीज, एसेट्स, प्रॉफिट। देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो कि आपका बैलेंस शीट तरह से ही, जैसे बैलेंस शीट बनता है वैसे ही बनता है, लेकिन उसको बैलेंस शीट बोलेंगे नहीं क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमको जानकारी नहीं देना है, हमको बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम बनाएंगे, जो साल के शुरुआत में बनाएंगे उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और जो साल के अंत में बनाएंगे उसको हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहेंगे। ठीक है, तो आपका जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका, देखिए एक हो गया आपका ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यहां पे असेट, यहां आउटसाइड लायबिलिटी, माफ करिएगा ये जो आपका है यहाँ पे एसेट और यहाँ आउटसाइड लायबिलिटी, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल, फिर आप प्रिपेयर करेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यहाँ से हमको पता चलेगा क्लोजिंग कैपिटल, फिर हम क्या करेंगे क्लोजिंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जिसमें क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, इसमें लेस करेंगे आपका एडिशनल कैपिटल, लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, फिर आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलता है क्यों हम क्या फाइंड आउट करते हैं, तो इससे हम साल की शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल और साल के अंत में क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग कैपिटल हम यहाँ पे पता करते हैं। तो पता क्या करते हैं, पता करते हैं हम कैपिटल, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हम ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल का पता करते हैं, या सिर्फ बोलिए तो कैपिटल का पता करते हैं, है ना। सीधा सीधी यहां पे पूछ रहा है, ये नहीं पूछा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग, बोलता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्या पता करते हैं, तो हम कैपिटल पता करते हैं बिजनेस का, सिंपल बात है। लायबिलिटी हम जो ट्रेडर है आपका, जो व्यापारी है, उससे हम पूछते हैं कि क्या लायबिलिटी है, क्या आपका एसेट है, तो ये सब पूछ करके हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करते हैं साल के शुरुआत में और साल के अंत में। फिर ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाता है, इसके बाद ड्राइंग साइड ओपनिंग एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस, तो क्या निकलता है, फिर मेरा प्रॉफिट निकलता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिर्फ कैपिटल जानने के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।